तो आइए अब शुरू करते हैं द लीनियर वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस क्या है? ये भी ऑलमोस्ट यूक्लिडियन स्पेस की तरह ही एक स्पेस है। यूक्लिडियन स्पेस के अंदर कॉमनली हम एक सेट लेते हैं स्केलर्स का और एक सेट लेते हैं वेक्टर्स का, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है 3 डायमेंशन में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, उसको n डायमेंशन में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसी तरीके से एक लीनियर वेक्टर स्पेस है। लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर भी आपके पास क्या होगा? ये एक कलेक्शन होगी जिसके अंदर एक सेट होगा एलिमेंट्स का और दूसरा सेट होगा कुछ मैथमेटिकल रूल्स का, तो उसको वेक्टर स्पेस का नाम दिया जाएगा। तो प्रॉपरली इसको डिफाइन किया जा सकता है कलेक्शन ऑफ सेट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट ऑफ रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स, दैट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। अब इसमें मजीद मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि एलिमेंट्स के मीनिंग यहाँ पर क्या है। एलिमेंट्स यहाँ पर दो तरह के होंगे, यानी कि हमें दो सेट्स चाहिए होंगे। कौन कौन से सेट्स चाहिए होंगे? उसमें से एक सेट होगा वेक्टर्स का। वेक्टर्स साई फाई काई इस नोटेशन में शो किए जा सकते हैं। इसी तरह से इसको V1, V2, V3 किसी भी नोटेशन में वेक्टर्स को लिखा जा सकता है। और दूसरा सेट किस चीज़ का होगा? दूसरा सेट होगा स्केलर्स का। स्केलर्स होंगे ए बी सी, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इवन इसको A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके डिफरेंट नोटेशंस पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो सेट्स होंगे एलिमेंट्स के, उसके अंदर एक वेक्टर्स का सेट होगा और दूसरा स्केलर्स का सेट होगा। देन जो दूसरी मैंने बात यहाँ पर की है कि एक सेट होगा मैथमेटिकल रूल्स का। अब मैथमेटिकल रूल्स कौन से होंगे? इसमें भी दो ही रूल्स होंगे। दो रूल्स कौन से होंगे? एक होगा एडिशन रूल और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या हैं और इसको मज़ीद एग्जांपल्स के थ्रू एलाबोरेट करते हैं। तो वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स क्या हैं? उसमें एक एग्जांपल देखी जा सकती है 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस, जिसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन एक सेट ऑफ वेक्टर्स होगा जो कि आई जे एंड के होंगे, और दूसरा जो सेट होगा वो स्केलर्स का होगा जिसको A1, A2, A3 कहा जा सकता है। और इसी तरह से अनदर एग्जांपल लिखी जा सकती है स्पेस ऑफ एंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड देर आर मैनी अदर एग्जांपल्स पॉसिबल। अब जो मैंने वेक्टर स्पेस में रूल्स की बात की थी, उसमें से पहला रूल देखते हैं, वो है एडिशन रूल। एडिशन रूल की मजीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है? वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं साई एंड फाई, तो उन दो वेक्टर्स को, ये दो वेक्टर्स बेसिकली वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। जब इन दो वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा तो ऐड करके क्या रिजल्ट आएगा? ऐड करके कोई थर्ड वेक्टर बनेगा, और वो थर्ड वेक्टर क्या होगा? वो भी इसी वेक्टर स्पेस का एन एलिमेंट होगा। तो ये इसको क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। मीन्स के दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं, ऐड करके जो थर्ड न्यू वेक्टर बनेगा वो भी उसी वेक्टर स्पेस में से ही होगा। इसी तरह अनदर प्रॉपर्टी है, दैट इज कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी क्या है? कम्यूटेटिविटी भी इसी तरह अप्लाई हो सकती है दो वेक्टर्स या मोर वेक्टर्स पर। तो दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें तो लाइक साई प्लस फाई, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाई प्लस साई। इस रूल के अंदर क्या बताया जा रहा है? इस रूल में ये बताया जा रहा है कि वेक्टर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। मींस कि आप पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करें या दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर में ऐड करें, तो दोनों के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? आपके पास अगर तीन वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हैं, तो उनको ऐड करने के दो मेथड होंगे। क्या मेथड होंगे? कि आप पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वेक्टर में ऐड करते हैं, या दूसरे वेक्टर को तीसरे वेक्टर के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड करें। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड के रिजल्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। मजीद हम इन प्रॉपर्टीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एलेबोरेट करते हैं। तो नेक्स्ट एडिशन रूल की प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या है? कि इस वेक्टर स्पेस के अंदर कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा कि उसको इस
वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट में ऐड करें, आइदर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड, तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें वापस वही वेक्टर मिल जाएगा एज सच। तो यहाँ पर ओ क्या होगा, ओ को नल वेक्टर का नाम दिया जाएगा। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इन द एडिशनल रूल इज इनवर्स वेक्टर। अब इनवर्स वेक्टर क्या होगा, आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, वेक्टर है साई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसको इस ओरिजिनल वेक्टर में ऐड करें आइदर ऑन राइट साइड आर ऑन लेफ्ट साइड, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको एक नल वेक्टर मिलेगा। तो इस साई को इस नेगेटिव साई का एडिटिव इनवर्स, सिमिलरली इस नेगेटिव साई को इस साई का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं एडिशन रूल्स की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं साई एंड फाई, जिनकी वैल्यूज ये हैं साई इज इक्वल टू जी वन वन जी वन टू जी टू वन जी टू टू एंड फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वन वन डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू टू वन एंड डब्ल्यू टू टू। इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड किया जाएगा, ऐड करके इनका सम क्या बनेगा, इनका सम कोई अनदर वेक्टर बनेगा। अगर इनको ऐड किया जाए, जो अनदर वेक्टर होगा वो किस वेक्टर स्पेस में से होगा, वो भी इसी वेक्टर स्पेस में ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इस क्या एलेबोरेट किया गया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो एडिशन रूल के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव किया गया है। सिमिलरली बाकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जैसे कि हमारे पास अगेन वही दो वेक्टर्स हैं साई एंड फाई। साई एंड फाई को जब ऐड किया जाता है इस तरह से कि साई को पहले रखते हैं, फाई को बाद में रखते हैं, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट की गई हैं साई ऑन लेफ्ट एंड फाई ऑन राइट, इन दोनों को ऐड करके कोई भी वेक्टर आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर फाई को पहले रखा जाता है, फाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, फाई साई को बाद में रखा जाता है, दोनों को जब ऐड करेंगे अगेन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ पर यह शो किया गया है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, बेशक आप साई को फाई में ऐड कर लें या फाई को साई में ऐड कर लें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी, मींस के अगर इस साई वेक्टर के अंदर कोई आइडेंटिटी वेक्टर जीरो ऐड किया जाता है, तो जीरो की वैल्यू जीरो 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 एंड जीरो, इसको जब इस साई में ऐड किया जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा जो कि अल्टीमेटली जी के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जीरो वेक्टर फॉर्म में जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी का नाम दिया जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एडिटिव इनवर्स देखा जाए, तो इस साई को नेगेटिव ऑफ द साई में जब ऐड किया जाएगा तो ये साई की वैल्यूज लिखी गई हैं, और नेगेटिव साई क्या है, नेगेटिव साइन विद ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसको जब पहले मैट्रिक्स में ऐड किया जाता है तो क्या रिजल्ट आता है, जीरो 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 एंड जीरो, जो कि क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो साई को जब नेगेटिव साई में ऐड किया गया तो रिजल्ट क्या मिला, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इट मींस के साई एंड नेगेटिव साई आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये एडिटिव जो एडिशन रूल है उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, उसकी रीज़न ये है कि उसके लिए एटलीस्ट थ्री वेक्टर्स रिक्वायर होंगे। तो नेक्स्ट अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल की तरफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल्स। मल्टीप्लिकेशन रूल्स भी ऑलमोस्ट एडिशन रूल की तरह ही है। इसमें सबसे पहला रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, लाइक आपके पास दो वेक्टर्स हैं साई एंड फाई, तो साई को किसी स्केलर नंबर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वेक्टर फाई को किसी स्केलर नंबर बी से मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब ऐड करके आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, कोई न्यू वेक्टर बनेगा, थर्ड वेक्टर। जो थर्ड वेक्टर बनेगा वो भी इसी वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट होना चाहिए, तो इसको नाम दिया जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन रूल। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, आपके पास दो वेक्टर्स हैं साई एंड फाई, उसको किसी स्केलर नंबर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ए स्केलर दोनों वेक्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा,
कि इस ए को, ए स्केलर को वेक्टर साई से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस ए स्केलर को वेक्टर फाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरे तरीके से भी ये प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। दूसरे तरीके से ये प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए और बी दो स्केलर नंबर्स हैं, ए प्लस बी को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी स्केलर नंबर साई के साथ, तो साई के साथ ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ए भी मल्टीप्लाई होगा साई के साथ और बी नंबर भी मल्टीप्लाई होगा साई के साथ। तो ये दो मुख्तलिफ तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी जा सकती है। पहली जो यहाँ पर इक्वेशन लिखी गई है उसमें हम ये देख रहे हैं कि दो वेक्टर्स जो हैं वो एक स्केलर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि जो दो स्केलर्स हैं वो एक सिंगल वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अनदर प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी एडिशन में भी हमने देखी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट उसी टाइप की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि आपके पास एक वेक्टर है साई और वो दो स्केलर नंबर्स ए एंड बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के मेथड क्या होंगे? एक तरीका तो ये होगा कि आप वेक्टर साई को स्केलर नंबर बी के साथ एसोसिएट कर दें, देन इसको स्केलर ए से मल्टीप्लाई करें। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड ये होगा कि ए को बी के साथ दोनों स्केलर्स को एसोसिएट कर लें और उसको किसी वेक्टर साई के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जैसे मर्जी एसोसिएट कर लें, बेशक दूसरे को तीसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दें या पहले को दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर दें, तो दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन रूल इज आइडेंटिटी वेक्टर। अब आइडेंटिटी, यहाँ पर एक बात याद रखें कि एडिशन के लिए डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन के लिए डिफरेंट है, लेकिन दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी ये है, कॉमन प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वो कोई भी ऑपरेशन करने के बाद आपको वापस उसी तरह से वेक्टर मिलना चाहिए, तो उसको आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। जैसे हमने एडिशन में देखा था कि साई के अंदर आप जीरो नल वेक्टर ऐड करते थे, ऐड करके अल्टीमेटली साई ही वापस मिलता था। अब एडिशन के अंदर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में आपके पास एक आई, कोई भी आपके पास वेक्टर है, उसको जब साई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साई वेक्टर के साथ, या साई वेक्टर को आइडेंटिटी वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट अगेन साई ही मिलेगा, यानी कि अनअफेक्टेड होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको आइडेंटिटी वेक्टर का नाम दिया जाएगा। तो वेक्टर स्पेस के लिए यह जरूरी है कि उसके अंदर कोई आइडेंटिटी वेक्टर भी होना चाहिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन रूल इज नल वेक्टर। अब नल वेक्टर यहां पर क्या होगा? नल वेक्टर जीरो होगा। जीरो को जब इसे साई से मल्टीप्लाई करें और साई को जीरो से मल्टीप्लाई करें, तो अगेन रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, यानी कि नल वेक्टर ही बन जाएगा। तो यहाँ पर जीरो ओ इसको नाम दिया जाता है नल वेक्टर। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। जैसे हमने एडिशन रूल की प्रॉपर्टीज को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड किया था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल्स की प्रॉपर्टीज को एक एग्जांपल के थ्रू एलेबोरेट करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगेन जैसे हमने पहले दो वेक्टर्स देखे थे, उनको जब इस तरह से हम ऐड करें कि जो पहला वेक्टर है साई उसको किसी स्केलर ए से और दूसरा वेक्टर फाई उसको किसी स्केलर बी से मल्टीप्लाई करें, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है पहले वेक्टर को या पहले मैट्रिक्स को ए स्केलर नंबर के साथ और दूसरे मैट्रिक्स को बी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके जब इनको ऐड करेंगे तो अगेन कोई मैट्रिक्स बनेगा, कोई वेक्टर बनेगा। वो वेक्टर क्या होगा? वो इस वेक्टर स्पेस का ही कोई एलिमेंट होगा। तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ दी मल्टीप्लीकेशन रूल का नाम दिया जाता है। एंड दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। आपके पास दो वेक्टर्स है साई एंड फाई, उसको किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई करें, ए से जब मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे तो कोई ऐसा रिजल्ट आएगा, ये आपको मैट्रिक्स के अंदर शो किया गया है। ऑन द अदर हैंड, अगर देखा जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ए को साई के साथ मल्टीप्लाई करें, ए को फाई के साथ मल्टीप्लाई करें, देन ऐड करें, तो अगेन ऐसा ही रिजल्ट आएगा। अब पहला जो रिजल्ट लिखा हुआ उसके अंदर क्या है कि आपने पहले दो मैट्रिसेस को ऐड किया है, साई को और फाई को ऐड किया है, ऐड करके कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे Z11 प्लस W11, Z12 प्लस W12 एंड सिमिलरली दीज एलिमेंट्स।
देन उसको एक स्केलर ए से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा रिजल्ट मिला है। ऑन द अदर हैंड हमने क्या किया है कि साई मैट्रिक्स फॉर्म को पहले एक स्केलर ए से मल्टीप्लाई किया तो ये कोई मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह फाई को किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई किया तो अनदर मैट्रिक्स बन गया। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, ऐड करके तो कोई ऐसा रिजल्ट आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड, ये दोनों एक जैसी हैं। अगर ये दोनों एक जैसी हैं तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए टाइम्स साई प्लस फाई इज इक्वल टू ए फाई प्लस ए साई। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन का नाम दिया जाता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर साई है, उसको किसी स्केलर ए और बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन दो तरीकों से हो सकती है। एक उसमें तरीका ये होगा कि स्केलर नंबर बी को इस वेक्टर साई के साथ एसोसिएट कर लें, मीन्स के इस वेक्टर को पहले बी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसा कोई मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उसको स्केलर ए से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके तो कोई ऐसा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा मेथड इसके कंपैरिजन में क्या हो सकता है कि ए को बी स्केलर से एसोसिएट कर लें। अब ए को जब बी से एसोसिएट करेंगे तो ये ए बी बन जाएगा, इसको वेक्टर इन मैट्रिक्स फॉर्म साई से मल्टीप्लाई करेंगे, साई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द सेम टाइम ए बी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट देगा, ये वही रिजल्ट देगा जो कि हमने ऊपर लिखा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रा किया जा सकता है, यहाँ से कंक्लूजन ये ड्रा किया जा सकता है कि ए को बी से साई से मल्टीप्लाई करने के लिए जब बी को साई से एसोसिएट किया जाएगा या ए को बी से एसोसिएट किया जाए तो दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन रूल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन वही वेक्टर है साई, इस साई को जब किसी एक ऐसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा कि अगेन रिजल्ट वही आए तो इस वेक्टर को नाम दिया जाएगा आइडेंटिटी वेक्टर। अब आइडेंटिटी वेक्टर यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है जो कि 1, 0, 0 एंड 1 है। ये मैटर करता है कि आपके पास वेक्टर्स किस ऑर्डर के हैं। आमतौर पे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है वेक्टर। तो इसको जब आप यहाँ पे देखें मैट्रिक्स साई के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो साई पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आई यानी कि 1001 को नाम दिया जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी वेक्टर। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, वो है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जब उसको किसी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट जीरो आएगा। यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ओ एक नल वेक्टर है जिसकी फॉर्म कुछ ऐसी है 0, 0, 0 एंड 0। जब इसको साई इन मैट्रिक्स फॉर्म मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 0, 0, 0 एंड 0। तो ये एक नल वेक्टर रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर ये जो ओ इन द फॉर्म ऑफ 0, 0, 0 एंड 0 ये क्या है, इसको नल वेक्टर का नाम दिया जाता है। तो इसी तरह से नल वेक्टर को एक और फॉर्म में भी देखा जा सकता है कि साई को बेशक पहले रख लें ओ से यानी कि नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो अगेन रिजल्ट यही आएगा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ओ इंटू साई इज इक्वल टू साई इंटू ओ इज इक्वल टू ओ। तो यहाँ पर ओ को नाम दिया जाएगा नल वेक्टर। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस, उसकी तरफ आते हैं।